सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं अपने कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में लेकर के आया हूं एक अनबॉक्सिंग राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित नवीनतम यानी कि लेटेस्ट कॉमिक्स की। आप देख पा रहे होंगे, आपको इसमें दिखेगा नाग प्रलय और आदि पर्व। अनबॉक्सिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका ऊपर का जो कवर होता है वो मैं रिमूव कर चुका हूँ सेफ्टी मेजर्स की वजह से। आज ही मुझे ये पार्सल प्राप्त हुआ है और तो भी ये अनबॉक्सिंग कहलाएगा क्योंकि सभी कॉमिक्स जो है वो पॉली बैग में पैक हैं अच्छे से और इनके साथ में जो नॉवल्टीज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी अनबॉक्सिंग की जाएगी कि आप देख सकते हैं सभी कुछ पैक है। तो आइए एक एक करके इनको चेक कर लिया जाए। तो मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स थे ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। एक तो ये कॉमिक्स है नाग प्रलय और दूसरा कॉमिक्स है आदि पर्व। साइज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा और आदि पर्व की टू कॉपीज़ आपको दिख रही होंगी इसमें। ये दोनों चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ ही मिनटों में। तो शुरुआत करते हैं नाग प्रलय से। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी साइज़ के बारे में भी और इस कॉमिक्स के बारे में भी। नाग प्रलय की अगर हम बात करें तो हमें अपनी बात की शुरुआत करनी पड़ेगी नागराज के प्रथम पाँच कॉमिक्स का। इस जो संयुक्त संस्करण हमारे सामने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आया था जिसका नाम रखा गया था युगारंभ। ये उसका एक प्रीमियम एडिशन है जिसकी कीमत 1500 रुपये है। हालांकि इस पर मेंशन मुझे दिख नहीं रही है पर 1500 रुपये इसकी कीमत है और काफ़ी सारी नॉवल्टीज भी इसके साथ मिली थी हमें। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तो ये जो युगारंभ है नागराज के प्रथम पाँच कॉमिक्स का एक संयुक्त संस्करण है। वो कॉमिक्स कौन कौन सी थी? ये कॉमिक्स है वो पेपरबैक में ओरिजिनली इस तरीके से आई थी वो नागराज। नागराज का प्रथम कॉमिक्स 1986 में आया था ये। संजय अष्टपुत्री जी ने ये जो इसमें काफ़ी चित्रांकन किया था, ये जगदीश पंकज जी का बनाया हुआ कवर है और प्रताप मुली जी का अंदर चित्रांकन देखने को मिलता है। बाद के कॉमिक्स में हमें संजय जी के अष्टपुत्री जी के बनाए हुए कवर और उनके बनाए हुए आर्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये पाँच कॉमिक्स थे इसमें नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा और नागराज और शंको। ये प्रथम पांच कॉमिक्स थे जिनमें से इस शुरुआत के जो ये तीन कॉमिक्स हैं नागराज, नागराज की कब्र और नागराज का बदला, ये कंटिन्यूएशन में है तीन कॉमिक्स। उसके बाद में ये टू पार्ट की सीरीज़ है नागराज की हांगकांग यात्रा और नागराज और शंको। आपको कवर में भी कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी। तो इन पाँच कॉमिक्स को कम्बाइंड करके इस तरीके का कंबाइंड एडिशन बनाया गया युगारंभ नाम से और इसके काफ़ी वर्जन्स हमें देखने को मिले। जैसे कि ये एक प्रीमियम एडिशन है श्री अनुपम सिन्हा जी जो कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनका बनाया हुआ ये कवर है। और ये कवर हमें ललित कुमार शर्मा जी भी बहुत एक शानदार आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया कवर इस तरीके का था। तो इन दोनों वेरियंट्स के साथ में ये प्रीमियम एडिशन हमें मिला। दो तरीके के प्रीमियम एडिशन अवेलेबल थे और साथ ही इसी को डिलक्स एडिशन के नाम से भी लाया गया था। 800 रुपीज़ का प्राइस था शायद उसका विद डिफरेंट नॉवल्टीज ऑफ कोर्स, पर ये कंटेंट सेम था। तो इसको भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ और डिटेल रिव्यू भी मैं लाऊंगा इसका। तो उसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से कॉमिक्स हैं, क्या क्या कवर आर्ट वगैरह शामिल किए गए हैं इसमें। तो शुरुआत की पाँच कॉमिक्स इसमें शामिल किया गया। संजय गुप्ता जी की एक चीज़ में मैं ज़रूर तारीफ करूँगा कि कॉमिक्स इंडस्ट्री या फिर जो बिजनेस है कॉमिक्स का, इसकी काफ़ी समझ है उनको और उन्होंने काफ़ी केयरफुली चूज़ करा कि कौन सी कॉमिक्स वो रिप्रिंट करने वाले हैं। तो उन्होंने युगारंभ को सिलेक्ट करा। नागराज की सिर्फ पांच ही कॉमिक्स का रिप्रिंट उन्होंने करा, क्लासिक नागराज जिसे बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने नरक नाशक नागराज का भी रिप्रिंट करा, उसकी भी चर्चा मैं करूँगा जब हम आदि पर्व की बात करेंगे। तो इन पाँच कॉमिक्स में जो नागराज को स्थापित किया गया शुरुआत में, उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है इस नाग प्रलय में। इस कारण से इसका संदर्भ या रेफरेंस देना ज़रूरी था। और ये जो एक प्रीमियम एडिशन है हमारे पास में इन पांच कॉमिक्स के कंबाइंड एडिशन का, तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आप भी ये सोच रहे होंगे कि वो जो पांच कॉमिक्स पेपर बैग में रखे हैं उनका MRP होता है 420 रुपीज़, यानी कि 420 रुपये। तो 1500 रुपये इसमें किस बात के लिए गए हैं? तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत सारी नॉवल्टीज़ आती हैं। ऐसा एक टिन बॉक्स आता है और भी बहुत सारे स्टिकर आर्ट कार्ड वगैरह आप देख मैं डिटेल रिव्यू बना दूंगा, उसमें चेक कर पाएंगे और आपने चेक कर भी लिए होंगे। ये काफ़ी कोई बहुत नया कॉमिक्स नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है इस सीरीज में। प्लस इसमें हमें एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट मिल जाता है, बहुत सारा बोनस कंटेंट।
ये कौन कौन से वेरिएंट कवर्स थे, जैसे कि ये कवर मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, प्लस प्रताप मलिक जी ने उसके कुछ वेरिएंट्स कवर्स निकाले थे वो भी इसमें शामिल किए गए थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी बताता हूँ आपको इसमें, देखिए प्रलय का देवता इस नाम से नागराज और तोसी का एक 2-in-1 कॉमिक्स प्लान किया गया था, उसके कुछ पृष्ठ इसमें दिखा रहे थे, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये कुछ पृष्ठ हैं, 4 पेज हैं इसमें, देखिए प्रलय का देवता न्यू कॉमिक्स इसके बाद प्लान किया गया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसके टीज़र आप मान सकते हैं, ट्रेलर मान सकते हैं, 4 पेजेस इसमें दिए गए थे हमें युगारंभ प्रीमियम एडिशन में। और उसके बाद कहानी शुरू होती है प्रलय का देवता की, और प्रलय का देवता से पहले इन्होंने प्रलय का देवता जो स्टोरी है उसके 2 पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने। उसका प्रथम भाग हमें देखने को मिलता है नाग प्रलय, जो एक 32 पेज का कॉमिक्स होगा, ये देखिए साइज़ आप देख सकते हैं, और इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सारी कहानी होगी, 128 पेजेस का होगा, उसका नाम रखा गया है प्रलय का देवता। तो आई थिंक जब युगारंभ को कम्बाइंड किया गया तो एक ही कॉमिक्स प्लान किया गया होगा प्रलय का देवता 160 पेजेस के साथ में शायद, और फिर बाद में जो है इस तरीके से उसको स्प्लिट किया गया, और पहले कॉमिक्स का नाम रखा गया है नाग प्रलय, आदिल खान जी का इसमें आर्टवर्क है, शानदार देख पा रहे होंगे आप। तो इसका संदर्भ इसलिए मैंने लिया, मैं आगे और भी संदर्भ लूँगा। नाग प्रलय जो कॉमिक्स है उसका साइज़ बड़ा है, कितना बड़ा है, ये आदि पर्व जो कॉमिक्स है वो एक रेगुलर साइज़ में है, इसकी भी बात करी जाएगी अभी। ये देखिए जो नागराज का प्रथम कॉमिक्स है, ये कोई भी कॉमिक्स जनरल ले लेंगे, चाहे हम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की बात करें या मनोज गुप्ता जी की, इसी साइज़ में कॉमिक्स हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा इसी वीडियो में, ये एक सर्पसत्र नागराज का कॉमिक्स प्रकाशित हो चुका है नागराज और तोसी का, पर कन्फ्यूज ना हो, डिफरेंट यूनिवर्स के हैं और डिफरेंट टाइम है, मतलब ये नागराज की शुरुआत के कॉमिक्स और नागराज है, मैं बताऊँगा इसमें। तो अगर इससे हम कंपेयर करें साइज़ को, पॉलीबैग रिमूव कर दूंगा तो सेम ही विड्थ मिलेगी आपको, थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस मिलेगा, नाग प्रलय का थोड़ा सा लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पहले इसे पॉलीबैग को हटा दिया जाए और अनबॉक्स करके देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमें फ्री मिलते हैं और किस तरीके का ये कॉमिक्स है, कैसा आर्टवर्क है। तो इसके साथ में हमें एक ये पोस्ट कार्ड फ्री मिलता है नागराज का, दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क है, और एक ये नया आर्टवर्क है। ओहो, ये नोवल्टी मुझे लगा कि ये इफेक्ट है, पर ये इफेक्ट ना होकर के शायद ये डैमेज है, ये नोवल्टी यहाँ से स्क्रैच आए हुए हैं इस पर, क्या इसकी बात करी जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे नागराज बहुत शुरुआत का नागराज है, और शुरुआत में जो नागराज की कॉमिक्स में जिस तरीके का इफेक्ट होता था कि गर्ल्स कुछ होती थी उनको सेव करता नागराज, शुरुआत बहुत ही इनिशियल है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे भी एक गर्ल बना रखी, तो उस तरीके का स्टिकर दिया गया है। चलिए सेलर से इसकी भी चर्चा की जाएगी, डैमेज नॉर्मलिटी है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। ये देखिए कॉर्नर से मुड़ी हुई भी है कॉमिक्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो फील काफ़ी चेंज कराया है संजय गुप्ता जी ने इसमें। देखिए एक ग्राफिक नॉवल के साइज़ का है ये नाग प्रलय, काफ़ी अच्छे साइज़ में है, और आदिल खान जी का आर्टवर्क है, पहली बार हमें नागराज के कॉमिक्स में आदिल खान जी का आर्टवर्क देखने को मिलता है, और क्रेडिट्स इसमें अलग तरीके से दिए गए हैं, लेखक है नितिन मिश्रा जी, चित्रांकन है आदिल खान जी का, और बसंत पंडा जी का शायद कलरिंग होगा, देखेंगे अंदर। भारतीय कॉमिक्स इतिहास में पहली बार नाग सम्राट नागराज और सर्प सम्राट इच्छाधारी तोसी एक साथ, तो इसका मतलब ये निकलता है कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से पहली बार ये 2 करेक्टर इसमें आ रहे हैं, और इस करेक्टर के बारे में मुझे लगता है कि कुछ अब मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तुलसी कॉमिक्स के करेक्टर है तोसी, जिसके राइट्स जो है 2017 में राज कॉमिक्स के द्वारा ले लिए गए, और उसके बाद में तोसी के कुछ शुरुआत के विंटेज कॉमिक्स भी पब्लिश किए गए राज कॉमिक्स के द्वारा, इच्छाधारी सांप का इंतकाम इस तरीके के नाम थे उनके। तो सर्पसत्र का मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, डिफरेंट आर्ट है, डिफरेंट टाइमलाइन है स्टोरी की, सिर्फ इतना सा है एक साइज़ अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जनरल कॉमिक्स से सर्पसत्र और नाग प्रलय दोनों ही बड़े हैं, जनरल कॉमिक्स का ही साइज़ है, सर्पसत्र काफ़ी बड़ा है, अमर चित्रकथा के साइज़ में आता है, मैंने काफ़ी चर्चा करी है, आप चाहे तो सर्पसत्र का मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं अनबॉक्सिंग का, और नाग प्रलय थोड़ा सा हाइट में से और ज़्यादा है, इतना है डिफरेंस है, तो उसे साइड में रख देते हैं। ये है नाग प्रलय, अब इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़, देखिए मेंशन ऐप है, अच्छी बात है, और इसमें हमें कुछ ऐड वगैरह भी मिल जाते हैं, तो जहाँ तक मैंने फेसबुक वगैरह पे सुना है कि 24 पेजेस की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी,
चेक कर लेते हैं, 1 2, इसमें कुछ ऐड मिलते हैं। पेपर काफ़ी थिक है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेपर थिक है इसका। ये 2 पेजेस हैं आई थिंक ऐड के, पर मुझे काफ़ी पेज लग रहे थे क्योंकि जब मैंने टच किया तो पेपर तो थिक है इसका। तो 4 ऐड ये हो जाते हैं, तो 32 में से अगर हम 4 कम कर दें तो 28 निकलता है। और फिर आगे की कुछ बात की गई थी, जैसे इस तरीके के जो क्रेडिट्स दिए हुए हैं, इनको भी अगर माइनस कर दिया जाए तो 24 पेजेस की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। इनको अगर माइनस किया जाए तो अदरवाइज आप 28 पेज भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके का ये कॉमिक्स है। तो ये इन बिटवीन कॉमिक्स है या क्या समझेंगे इसको? जैसे युगारंभ में 4 पेज दिए गए थे स्टोरी की शुरुआत में, और उसके आगे से इसकी स्टोरी शुरू होती है। तो ये पहला कॉमिक्स ना होकर के एक, या फिर हम इसे 0 मान लेते हैं, ये 0 कॉमिक्स है, इसके जो 4 पेज थे, फिर ये पहला कॉमिक्स ना पढ़ लें और इसके बाद जो है प्रलय का देवता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी स्प्लिट हो चुकी है। तो मे बी अगर इनका कोई कंबाइंड एडिशन आएगा तो संजय गुप्ता जी हो सकता है इन सभी पेजेस को एक साथ मिला करके एक एडिशन निकाल लें। तो आर्ट में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, देखिए आप, आदिल खान जी का आर्टवर्क है, और नागराज को वही स्वरूप देने की कोशिश करी गई है जो युगारंभ में थी। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपने युगारंभ पढ़ी है 5 कॉमिक्स, तो उसी के आगे की स्टोरी लाइन है, तब नागराज की शुरुआत ही थी। तो इसको नागराज को इस तरीके से चित्रित किया गया है, इस तरीके से कहानी लिखी गई है इसमें, कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे नागराज अभी क्राइम फाइटिंग में शुरू ही हुआ है, मतलब शुरुआत ही हुई है उसकी, और उसकी टकराव तोसी से होता है जो कि महायोद्धा है तुलसी कॉमिक्स की तरफ से। तो ये देखिए कलरिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी लग रही है, चित्रांकन भी अच्छा है, एक अलग फ्लेवर के साथ में है। प्राइस का काफ़ी इसका रहा है इशू, फैंस को इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगी है, 32 पेजेस फॉर 200 रुपीज़। और कुछ लोग तो वैसे 24 भी कोट करते हैं कि स्टोरी 24 पेजेस की है, पर मैं वो ना मान करके, क्योंकि इसमें पेज 32 दिए गए हैं तो उस हिसाब से इसको माना जाए। काफ़ी लोग सर्प सत्र से भी तुलना कर रहे थे, करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी तुलना हो चुकी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्प सत्र जो है वो भी 200 रुपीज़ प्राइस में आई थी, और इसमें 48 पेजेस थे। जैसे कि मनोज गुप्ता जी जो 2 ही नए कॉमिक्स लेके आए हैं अभी तक, दोनों ही आज़ादी की ज्वाला और सर्प सत्र, दोनों में ही 48 पेजेस हैं। एक का प्राइस 150 है, दूसरे का 200। आप कन्फ्यूज मत होइएगा 199 या इस तरह की चीज़ों में, जैसे इसमें 199 प्राइस लिखा हुआ है, एक में 159, तो मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। प्लस ये डिस्काउंट भी मिल जाती है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, नाग प्रलय पे कोई डिस्काउंट मुझे देखने को नहीं मिला, 200 रुपीज़ का इसका प्राइस है पूरा। पर काफ़ी इसका लुक फील काफ़ी कुछ अलग है, स्टोरी मतलब काफ़ी कंपेयर करना उचित नहीं होगा दोनों ही कॉमिक्स को, पर फिर भी इसका प्राइस फैंस को काफ़ी ज़्यादा लगा। नोवल्टीज़ की बात की जाए तो ये 2 नोवल्टी हमें देखने को मिलती है, पोस्ट कार्ड और स्टिकर। स्टिकर काफ़ी बड़े साइज़ का है, अगर हम जनरल कॉमिक्स से कंपेयर करें आदि पर्व को यदि ले लिया जाए तो स्टिकर पूरी इस कॉमिक को ढक लेता है, देखें तो साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा डैमेज भी मिला है मुझे, तो देख लेंगे इसको, सेलर से बात करी जाएगी, कुछ हो सकता है तो मंगवा लेंगे इसको नेक्स्ट कॉमिक में। तो ये है नाग प्रलय की अनबॉक्सिंग, इसका डिटेल रिव्यू भी मैं जल्द लाऊँगा इसको पढ़ करके, और जल्दी ज़्यादा समय लगेगा नहीं, पर ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया है पर कोस्ट को लेकर के काफ़ी हुआ है। अब सेकंड इसी कॉम्बो में, ये आदि पर्व और नाग प्रलय ये कॉम्बो का हिस्सा है, मैंने कॉम्बो में इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट मिला 200 रुपीज़ का। ये तीनों कॉमिक्स मिला करके 1400 रुपीज़ की हो रही थी, 1400 रुपये की, और मुझे ये 1200 में मिली। नुकसान ये कि डबल कॉपीज़ हो गई हैं, तो फेसबुक ऐसे भी काफ़ी जो मैं फैंस को देखा मैंने जो डबल कॉपी परचेज करके आपस में डील भी कर रहे थे कि कोई एक कॉम्बो एक 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 जो है वो कॉम्बो ले ले फिर दूसरा वाला डील कर लेता है कि मुझे ये अलग से दे दो ये अलग से दे दो, ऐसा करके दो दो लोग मिलकर के भी ले रहे थे, तो काफ़ी कुछ चला। पर ये कॉम्बो पता नहीं क्यों संजय जी ने इस तरीके का बनाया, उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही होगी, काफ़ी समझदार हैं वो, काफ़ी एक्सपीरियंस उनको, पर मुझे ये समझ नहीं आया कॉम्बो थोड़ा सा डील अच्छी देनी थी, मतलब सेम कॉमिक से 2 प्रिंट इंक्लूड करते तो अच्छा रहता, पर मैं बिना इसको बिना डिस्काउंट के ऑर्डर करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने विद डिस्काउंट ही ऑर्डर कर दिया। और एक और वजह रही इसके पीछे, ये जो कॉम्बो है नाग प्रलय आदि पर्व पेपरबैक आदि पर्व हार्ड कवर, उसके साथ में ये एक्सक्लूसिवली अलग से दिया गया था, ये एक मोबाइल स्टैंड है, इसको भी आपके सामने ही अनबॉक्स कर लिया जाए, तो पहले जो नोवल्टी को अनबॉक्स करने की परंपरा है उसको जारी रखते हुए। और इसकी जो कवरिंग सेम युगारंभ का जो प्रीमियम एडिशन हमें मिला था, ये देखिए उसका जो टिन बॉक्स है उसकी कवरिंग के जैसे ही मिला है हमें, अलग से एक नाग ग्रंथ का आर्ट हमें देखने को मिलता है, तो इसको भी मैं अलग से काट के रख लूँगा, ये भी मेरे लिए एक नॉवल्टी रहेगी, तो आपके सामने ही इसे अनबॉक्स किया जा रहा है। अनबॉक्स कर लेते हैं इसको,
थर्माकोल की पैकिंग का ये तो बेनिफिट है कि आपकी पैकेजिंग में या जो शिपिंग में आपका जो है पार्सल डैमेज नहीं हो पाता, जो भी कोई डिफेक्ट वगैरह मिलता है तो पैकिंग के दौरान ही यदि है तो वो मिलता है, अदरवाइज़ इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना ये पेपर फट जाएगा इसका। थोड़ी जल्दबाजी कम करते हुए तो अच्छे से, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मेरे वीडियो जनरली लंबे हो जाते हैं, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा जो भी रिक्वायर्ड है इसके बारे में। जो भी मित्र या व्यूवर्स हैं जिनको ख़रीदने में भी कन्फ्यूजन है तो वो पूरा चेक करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये हमें एक मोबाइल स्टैंड इसमें मिल जाता है, MDF का है। इसमें स्मेल आ रही है, जैसे हम नया फर्नीचर बनवाते हैं उस तरीके की मुझे स्मेल आई जब मैंने इसको, कि आप भी देख पा रहे होंगे क्वालिटी अच्छी लगी क्वालिटी मुझे। और ये मेरा पहला मोबाइल स्टैंड है, मैंने नोवल्टीज अलग से परचेज नहीं करी, चाहे वो राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी की तरफ से हो या मनोज जी की तरफ से हो, जो फ्री मिला है और फ्री में भी प्रीमियम एडिशन अभी हाल फिलहाल ही ऑर्डर किए मैंने। युगारम्भ का प्रीमियम एडिशन आपके सामने है, अभी ही मैंने ऑर्डर किया है, इसी अनबॉक्सिंग में निकला था वो। ये मुझे फ़िट नहीं हो पा रहा, देख कर इसको फ़िट किया जाएगा बाद में, ये इसमें से फ़िट होके ऐसे रह जाएगा और फिर यहाँ पे मोबाइल रखा जा सकता है। इस तरीके का मोबाइल स्टैंड है, तो एक कॉम्बो के साथ ही था। और पीछे इस पर कलरिंग अच्छी की गई है, देखिए जैसे अपने फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ऐसा फील आ रहा है। तो एक प्रीमियम है इसका, 200 रुपीज़ प्राइस मेंशन किया था संजय गुप्ता जी ने, जो ठीक है लग रहा है। मतलब बाकी अदर नोवल्टी से अगर हम कंपेयर करें तो ये अच्छी नोवल्टी है, एक अच्छे से होके आई है। इसी वजह से मैंने लालच में ये ऑर्डर किया, मतलब 200 रुपये भी कम हो गए, मोबाइल स्टैंड मिल गया, मैंने कहा डबल कॉपी है तो इसको देख लेंगे क्या करना है। तो एक नोवल्टी मैंने आपको दिखाई, और ये भी मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहली बार नोवल्टीज मुझे मिल रही है, तो ये मेरा पहला मोबाइल स्टैंड है। सेकंड मैंने नरक नाशक नागराज, जिसकी मैं बात अभी बस करने ही वाला हूँ, उसके प्रीमियम एडिशन को ऑर्डर किया था, वो मिला नहीं मुझे, उसके साथ मिलेगी। और इसी तरीके से ये युगारम्भ का मेरा पहला 10 बॉक्स है, तो ये फर्स्ट नोवल्टीज़ मेरे घर में आई हैं इस तरीके की, 10 बॉक्स और मोबाइल स्टैंड टाइप की नोवल्टीज़। अब बात करते हैं आदि पर्व की, तो आदि पर्व को पहले अनबॉक्स किया जाए फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। इसके साथ भी हमें वही पोस्ट कार्ड मिलता है जैसा नागपरले में मिला था हमें, जिस साइज़ का देखिए पोस्ट कार्ड है, और दिलीप चौबे जी का ही लग रहा है आर्टवर्क, तो नागराज का। और ये एक नया करेक्टर है, नरक नाशक नागराज में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके ट्रेडिंग कार्ड्स भी हमें मिले थे। ये अच्छी बात है, पेपर स्टिकर हमें थोड़ा सा अलग क्वालिटी के साथ मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में हमें मिल रहे हैं। ये देखिए पूरा इसने इस जनरल साइज़ वाले कॉमिक्स को पूरा ढक लिया, मतलब उसी साइज़ का ही, तो ये अच्छे क्वालिटी के पेपर स्टिकर मिले लगे मुझे। ये है आदि पर्व, 96 पेजेस होंगे इसमें जैसा कि दावा किया गया था। और इसके बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो फिर से मैं बैक रेफरेंस लूँगा संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स का, उसके बिना ये बात अधूरी रहेगी। नरक नाशक सभी परिचित होंगे, संजय गुप्ता जी का फेवरेट नागराज है, ये बन गया है नरक नाशक नागराज, एक दूसरे आयाम का नागराज है, जो राज कॉमिक्स द्वारा जो बनाया हुआ तीसरा नागराज आप मान सकते हो, अगर जो पुराना नागराज उसको आतंकहर्ता नागराज माना जाए, और अनुपम सिन्हा जी का जो नागराज है जो कि 1995 से हमें देखने को मिल रहा है, वो विश्व रक्षक नागराज है, तो ये तीसरा नागराज है नरक नाशक। 2013 में ये इसके ओरिजिन स्टोरी हमें देखने को मिला था, और इससे पहले भी कुछ कॉमिक्स आई थी मकबरा तक्षक करके, तो ये 4 कॉमिक्स इसमें हैं। इसके काफ़ी मैंने डिटेल वीडियो पहले बना रखे हैं, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति, ये 4 कॉमिक्स है। देखिए नरक नाशक और सारे कलेक्टर एडिशन हैं, नरक नियति सेकेंड पार्ट, नरक दंश और फोर्थ पार्ट नरक आहुति, 4 पार्ट की सीरीज है, 80 पेजेस, 96 पेजेस और 128 पेजेस वाले कॉमिक्स हैं ये। काफ़ी बड़ी एक ओरिजिन स्टोरी है नागराज की, नरक नाशक नागराज की, बहुत फेमस हुई है ये। और जिस तरीके से हमें युगारम्भ देखने को मिला है अलग अलग एडिशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, पेपरबैक कॉमिक्स हमें देखने को मिली हैं, और ये देखिए पेपरबैक कॉमिक्स देखने को मिली, युगारम्भ की डिलक्स एडिशन देखने को मिले, प्रीमियम एडिशन देखने को मिले, और प्रीमियम में भी हमें जो है अनुपम जी का अलग कवर मिला है, ललित जी का अलग मिला, तो डिफरेंट वेरियंट्स मिलते हैं। सेम ऐसा ही नरक नाशक में संजय जी ने करा है, पेपरबैक एडिशन में मिले हैं, 520 का शायद प्राइस था, मुझे याद नहीं अच्छे से, 80 ऐसा कुछ था, मतलब 120 और 160 इस तरीके के प्राइस था, आप जोड़ सकते हैं 360 और 160, तो 520 करीब लिंक निकलेगा। तो मतलब ऐसा पेपर बैग का भी एडिशन निकाला उन्होंने,
कलेक्टर एडिशन मैंने आपको दिखाया जो कि 1050 की प्राइस में मिले थे। इसके बाद में डिलक्स एडिशन भी निकाला नरक नाशक का संजय गुप्ता जी ने, वो 1500 रुपये के में निकला था। और उसका एक प्रीमियम एडिशन है 2000 रुपये का है, सेम यही फील होगा उसमें, ऐसी गोल्ड ग्लाइडिंग होगी इस तरीके का। ये हमें जो है 10 बॉक्स मिलेगा और काफ़ी कुछ नॉवल्टीज़ उसमें मिलेंगी देखिए। और एक और बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ आपको कि इस पार्सल से जिसका कि मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी, आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, से पहले वो नरक नाशक का मेरा ऑर्डर किया हुआ था, 23 जुलाई को वो डिस्पैच हो चुका था। और जब मैंने उसे ट्रैक किया तो 27 जुलाई को वो मेरा जो ये टाउन जहाँ पे मैं रहता हूँ जामनगर, वहाँ पहुँच चुका था, पर मुझे आज तक नहीं मिला। बहुत मैंने वेट करा, सेलर से कॉन्टेक्ट करे, फिर आज मैं ऑफिस जाके आया, ई कार्ट से उन्होंने किया था। ज़्यादातर जो कॉमिक्स के पार्सल आते हैं वो डिलीवरी से आते हैं या DDT से कुरियर से आते हैं, उन्होंने ई कार्ट से किया था। और ई कार्ट जो है फ्लिपकार्ट का ही कोई ब्रांच है जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं उनके आज उनके ऑफिस जाके आया हूँ। तो उनका जो बिहेवियर है, मतलब एक तो क्या होता है ई कार्ट में, अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस रहा हो तो आप उनको फ़ोन नहीं कर सकते, उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं होता। और अगर वो आपको कॉल करेंगे अगर आपने एक दो बार नहीं उठाया किसी भी कारण से, तो फिर आपका पार्सल कैंसिल हो जाता है। तो मुझे, मैं इंसान, इंडियन जो कस्टमर है वो सबसे पहले अपने आप को दोष देता है, तो मैंने अपने आप को ऐसे समझा लिया था कि हो सकता है कि मैंने जो है कॉल नहीं उठाया होगा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा। फिर मैं आज उनके ऑफिस जाकर आया इतने दिनों के बाद में, मैंने कहा 27 तारीख से अगर यहाँ आ चुका तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो वहाँ जाके आया तो मुझे पता लगा कि वो जामनगर पहुँचा ही नहीं है और उन्होंने ढंग से जवाब भी नहीं दिया। एक घंटे के बाद मुझे तो समझ में आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं यही, अगर जो भी सेलर्स अगर कोई देख रहे होंगे इस वीडियो को, काफ़ी अच्छे सेलर्स हैं जो मेरे सेलर जिनसे मैंने मंगवाया था, उमा कार्ड से मैंने मंगवाया था, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर आपको नहीं मिलता है पार्सल तो मैं आपको दूसरा भिजवा दूँगा जिस भी कुरियर से आप बोलेंगे। पर चाहे नुकसान हमारा हो, बायर का हो, चाहे सेलर का हो, ऐसा क्यों होना चाहिए। इसलिए मैं सभी सेलर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ई कार्ड से कभी भी किसी को कुरियर ना भिजवाएं। और मैं अपने पाठकों से भी अनुरोध करूँगा, अगर आप सेलर से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि ई कार्ड का प्रयोग ना करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट के बारे में अलग से मैं एक वीडियो बना सकता हूँ चाहूँ तो, काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जीव्स वगैरह आपने नाम सुना हो तो, वो भी एक उनका इंश्योरेंस या कुछ होता है, एक्सटेंड वारंटी वगैरह होता है, उसके बारे में अभी फ़िलहाल चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। तो फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, जीव्स ब्लंडर से भरा हुआ है, मतलब तो वो पहली बार मुझे इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है उसका, क्योंकि अभी इस समय मैं काफ़ी बिजी था तो मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। पहले जितने भी मुझे ऑर्डर मिले समय पे प्राप्त हुए और उसका मिला ही नहीं अल्टीमेटली, मतलब इतने समय का वेट करने के बाद मिला नहीं, वरना आपके सामने पहले वो मैं अनबॉक्स करता नरक नाशक नागराज का प्रीमियम एडिशन, उसके बाद ये बात शुरू करी जाती। क्योंकि नरक नाशक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसका जो प्रीमियम एडिशन था इस तरीके का, जैसा युगारंभ में हमें नाग प्रलय और प्रलय का देवता कि ये जो 4 पेजेस मिले थे, ऐसे ही नरक नाशक में हमें 8 पेज मिलते हैं आदि पर्व से पहले के, तो वो चर्चा इसलिए आवश्यक थी। इसमें भी मुझे थोड़ा ये दिख रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉमिक्स जो है वो उनका विड्थ इतना है युगारंभ में, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ओड लग रहा है थोड़ा। ये मुझे ओड लगा कि मेरे में ये है कि सब में ऐसा आता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये युगारंभ जो ग्रीन स्ट्रिप है यहाँ से इतना स्ट्रिप बढ़ा हुआ है, तो मतलब ये यहाँ से फोल्ड होना चाहिए था तब भी इस पर परफेक्टली पैक होता। इतने कॉस्टली होने के बाद पता नहीं ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो इसके बारे में भी मैं कॉन्टेक्ट करूँगा। पर बड़ा हेडेक है मेरे ऐसे इंसान के लिए, मतलब बहुत बिजीनेस में पहले तो पार्सल रिसीव करो, फिर अगर रिप्लेसमेंट का कुछ होता तो रिप्लेस करो, क्योंकि इसके भी मैंने अनबॉक्सिंग बताया था कि थोड़ा सा बैंड वगैरह भी, स्क्रेचेज भी हैं। खैर इस बात की को फिलहाल हटा दिया जाए, आदि पर्व की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नरक नाशक जो सीरीज़ है 4 पार्ट की, एक अलग आयाम का नागराज हमें देखने को मिला, काफ़ी फेमस हुआ है अभी। संजय गुप्ता जी काफ़ी वेरिएंट लेकर के आए, पेपर बैक, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशंस, डिलक्स एडिशन, प्रीमियम एडिशन, तो उनमें हमें आदि पर्व की पहले की स्टोरी मिली। और इस पूरी सीरीज़ का नाम रखा गया है नाग ग्रंथ, तो नाग ग्रंथ के 8 पेज हमें मिलेंगे नरक नाशक प्रीमियम एडिशन में, और उसके बाद की स्टोरी शुरू होती है आदि पर्व में। ये देखिए, अगर चित्रांकन की बात करी जाए तो इसमें है हेमंत कुमार जी का चित्रांकन, और अगर आप राज कॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो 2020 तक जो कॉमिक्स आ रही थी 20 में, चाहे वो सर्वनायक हो, सर्वरण तक, या सर्वनायक विस्तार हो, स्वर्ण नगरी की तबाही तक, या फिर कोई और भी कॉमिक्स हो, नागराज का आतंक हर्ता सी क्षतिपूर्ति हो, सभी में हेमंत कुमार जी ही काम कर रहे थे, वही उस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे थे। और नरक नाशक पूरी सीरीज हेमंत कुमार जी ने बनाई है, और उसी का ये जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे सामने आदि पर्व, नाग ग्रंथ का 1st पार्ट है। अगर आप नरक नाशक प्रीमियम एडिशन के जो 8 पेज हैं उनको 0 मानोगे तो
तो अगर हम बात करें आदि पर्व की या हम बात करें नाग प्रलय की, तो इनकी स्टोरीज़ की शुरुआत तो इन प्रीमियम एडिशन्स में ही हो जाती है। युगारंभ में प्रीमियम एडिशन में नाग प्रलय की शुरुआत हो चुकी है, और नरक नाशक प्रीमियम जो अभी प्राप्त मुझे नहीं हुआ, मैंने बता भी दिया क्यों नहीं हुआ प्राप्त, हो उसमें आदि पर्व की शुरुआत होती है। ये 96 पेजेस का कॉमिक्स है जो 500 रुपीज़ की प्राइस में हमें देखने को मिला है। क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सर्व रन या जो 120 रुपीज़ के साथ में सन 2020 में आए थे कॉमिक्स, 96 पेजेस के जो कॉमिक्स होते थे 120 रुपीज़ के साथ में एंड हुआ था राज कॉमिक्स में, उस तरह की क्वालिटी आपको लगेगी। तो 500 काफ़ी ज़्यादा लगे फैंस को और मुझे भी लगे। और इसी का हार्ड बाउंड एडिशन, इसको भी अनबॉक्स कर लिया जाए। ये इसका हार्ड बाउंड एडिशन आदि पर्व का, ये देखिए। और इसके साथ जो नॉवल्टीज़ मिलती हैं थोड़ी सी अलग है, देख लेते कौन सी नॉवल्टीज हैं। फिर वही एक पेपर स्टिकर होगा, एक पोस्ट कार्ड होगा, पर ये अच्छी बात है कि अलग दिए हैं, क्योंकि मैंने कॉम्बो परचेस किया तो फिर वो सेम रिपीट हो जाते हैं। तो 700 + 500, ओह 1200 रुपये तो इनका ही प्राइस होता है। तो कॉम्बो लेने का मेरा इसी था कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि इंडिविजुअल इश्यूज़ पे कोई डिस्काउंट नहीं था। और शायद जहाँ तक मुझे पता है ये आदि पर्व पेपर बैक आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है अभी। तो हार्ड बाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉवल्टीज़ आप देख लीजिए। एक तो ये नया ट्रंप कार्ड करके शुरू किया है इन्होंने, अच्छा है काफ़ी। ट्रंप कार्ड में हमें देखिए एक नागराज और उसका यूनिवर्स दिखा रखा है, और पीछे तक्षिका का चित्र बना हुआ है। और ये जो तक्षिका है, आपको सर्पसंज्ञा तक्षिका इस तरीके की करेक्टर नरकाशी सीरीज में मिलेंगे, उसी का ये स्टिकर दिया गया था हमें। आदि पर्व का जो फ्रंट कवर है ये देखिए, उसी का एक मैग्नेट स्टिकर बना दिया गया है, देखिए टू स्ट्रिप्स से लगी हुई, अच्छा ये काफ़ी अच्छा आर्ट लगा मुझे। तो ये रिपीट हो गया हमारे पास में। और ये एक ऐसा पोस्ट कार्ड मिलता है, अगेन दिलीप चौबे जी का नागराज है। और ये एक पेपर स्टिकर मिलता है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी बड़े ये मुड़ा हुआ है, देखिए काफ़ी बड़े स्टिकर हमें मिल रहे हैं। मतलब एक जनरल आप ये मान के चलिए कि जो जनरल कॉमिक्स है उसको पूरा ये कवर कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा रह रहा है इसलिए थोड़ा मुड़ गया है ये पैकिंग में। और ये हमें आर्ट कार्ड मिलता है, ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जितने भी आर्ट कार्ड होते हैं आजकल, जितने भी आर्ट कार्ड आ रहे हैं सब फ्रंट कवर का ही आर्ट कार्ड मिलता है। इसमें थोड़ा सा अंदर का आर्ट मिला है हमें, हो सकता अंदर ये सीन हो नहीं हो मुझे नहीं पता, तो ऐसा आर्ट कार्ड मिलता है। तो रिपीट कर देता हूँ आप व्यूअर्स के लिए, हार्ड बाउंड एडिशन है ये आदि पर्व का, 700 रुपीज़ प्राइस के साथ में। वाह, इसमें मेंशन भी है। ये कुछ रीडर्स को शिकायत थी कि संजय गुप्ता जी मेंशन नहीं करते, तो देखिए मेंशन है इस, 700 रुपीज़। और साथ में आर्ट कार्ड एक, पेपर स्टिकर दो, पोस्ट कार्ड तीन, और मैग्नेट स्टिकर, ये चार नॉवल्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं 700 रुपीज़ की जो प्राइस के साथ में हार्ड बाउंड में आता है। देखिए ये संग्राहक संस्करण है, एज इट इज़ यही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये हार्ड बाउंड में है, ये सॉफ्ट बाउंड में है। 500, 700 विद एक्स्ट्रा नॉवल्टीज़, इसके साथ भी नॉवल्टीज़ हैं। और येलो पेजेस जो हमें मिलते हैं कलेक्टर एडिशंस में, सेम वही कॉमिक्स है, पूरा कॉमिक सेम है, ऐड वगैरह भी, तो मैं आपको ऐड भी दिखाया था कौन कौन से। ये देखिए एक डोगा का एक ऐड बना रखा है, जो भी नरक नाशक के आयाम का ही डोगा है, इसका नाम धनाधन डोगा रखा गया नाम इसका, जैसे उसी आयाम में जो कॉपी हमें मिलेगा वो क्रोध केतु कॉपी, ऐसा करके अलग अलग पात्र इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए तो नाग पर्व का हमें ऐड मिलता है, ट्रैप का ऐड मिलता है, इसका भी कवर आर्ट काफ़ी शानदार अभी शेयर किया गया है। कचरा पेटी का ऐड मिलता है, डोगा की सीरीज़ है। और दोषपूर्ण भी शुद्धिकरण सीरीज है भेड़िया की, उसका एक ऐड मिलता है हमें। प्रलय का देवता का ऐड मिलता है, और डोगा का ऐड हमें साथ में मिलता है। कॉमिक्स का नाम रिवील नहीं कर रखा है, पर ये डोगा इसमें है, तो मे बी इसका डबल स्प्रेड हो, क्योंकि डोगा आदि पर्व में भी है, इसकी एंट्री है इसमें। नरक नाशक के यूनिवर्स में काफ़ी पात्रों को जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सुपर कॉन्डर ध्रुव का भी एक शो स्टॉपर ध्रुव के नाम से हमें दिख रहा है, तो यूनिवर्स को एक्सपांड किया जा रहा है संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो ये अनबॉक्सिंग थी नाग प्रलय और आदि पर्व की, मैं इन दोनों को ही बोलूँगा, हालांकि तीन हमने कॉमिक्स अनबॉक्स करेंगे, वो हार्ड बाउंड एडिशन है, नॉवल्टीज़ मैंने आपको दिखाई। और ऐड की अगर बात करें तो सेम टाइप के ऐड आपको मिलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए प्रलय का देवता का ऐड
बड़े साइज में इसमें मिलेगा। दो स्पून का एड सेम वही ऐड है, नाग पर्व क्योंकि साथ में रिज्यूमे सेम ऐड आपको मिलेंगे, इसलिए मैं बराबर नहीं दिखा रहा, सेम वही कचरा पेटी और ट्रैप का ऐड है, थोड़े बड़े साइज में है, नॉर्मल साइज़ में है। और बैक कवर जो है दोनों ही कॉमिक्स का, वो इन्हीं कॉमिक्स का एक डबल स्प्रेड कवर है, इसी कॉमिक्स का डबल स्प्रेड कवर है। और ये जो नाग परला है थोड़ा सा मार्वल डीसी टाइप के साइज़ में निकाली गई है, कलर स्कीम थोड़ी सी आपको अलग मिलेगी और जो एक अंदाज़ चेंज करा गया है, जैसे ये आपको पुराना फ्लेवर देगी राज कॉमिक्स का, और इसमें जो है थोड़ा सा आर्टिस्ट का क्रेडिट दिया गया जो कि अच्छी चीज़ है। तो संजय गुप्ता जी की इन कॉमिक्स की जो मैंने अनबॉक्सिंग करी उनमें मुझे क्या क्या अच्छी बातें लगी और क्या क्या बातें मुझे ठीक नहीं लगी मैं बताता हूँ। अच्छी बातें जो मुझे लगी वो मुझे लगा संजय गुप्ता जी का सिलेक्शन, जो भी उन्होंने रिप्रिंट करे पूरा 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी उन्होंने माहौल बनाया वो पूरा माहौल अब लगता है कि प्री प्लान्ड था। युगारंभ का जो उन्होंने बार बार रिप्रिंट करा, बार बार उसके डिफरेंट एडिशन निकाले, तो उसका कोई पर्पज़ था, वो पर्पज़ ये था कि उनको आगे नाग प्रलय और प्रलय का देवता लेकर के आनी थी। इसी तरीके से नरक नाशक के जो उन्होंने डिफरेंट एडिशन निकाले, फिर से उसको रिप्रिंट करा बार बार, मतलब हर पाठक के पास में उन्होंने कैसे भी करके पहुँचवा दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सीरीज नाग ग्रंथ प्लान करी। तो प्लानिंग अच्छी कहलाएगी संजय गुप्ता जी की, कनेक्टेड हैं सारी कॉमिक्स, मतलब उन्होंने जो भी रिप्रिंट चूज़ कर रहे हैं संजय गुप्ता जी ने, जो भी वो नई कॉमिक्स लेकर के आ रहे हैं, सारी आपस में कनेक्टेड है। नोवल्टीज़ वो दे रहे हैं, गुड थिंग, बट बात आती है प्राइस पे, तो ये सारे पॉइंट नलीफाइड हो जाते हैं प्राइस के आगे। प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है व्यूअर्स को, है भी, मतलब ये दो, क्योंकि कॉमिक्स आप देख सकते हैं कितने कॉमिक, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो इस तरह की कॉमिक्स की 120, 150, 160 इस तरह की आदत थी, 500 रुपीज़ फॉर वन दिस कॉमिक्स। और फिर क्या होगा कि अगर आप एक बार इसमें आपने परचेज़ किया तो फोर डिस्काउंट के लालच में मैंने देखो दो कॉपी परचेज़ कर ली, अब इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट, उस तक किसी से मैं को डील करूँ। प्लस क्या होता है फिर आप इसके आगे की सीरीज लेना चाहेंगे, मान लो कि फोर पार्ट की सीरीज होने वाली है, मुझे नहीं पता कितने पार्ट की होने वाली है, और इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन भी आपके होना चाहिए, अगर क्योंकि जो जब हमको टीज़र दिए गए थे इन प्रीमियम एडिशंस में, जैसे कि युगारंभ में 4 पेजेस का प्रलय का देवता, या मैं नाग प्रलय को भी बड़ी यूज़ करूँ एक ही बात है, प्रलय का देवता के जो टीज़र दिए गए थे, या फिर नरक नाशक नागराज का जो प्रीमियम एडिशन मेरा आना बाकी है, मैं उसका भी करूँगा डिटेल रिव्यू, उसमें जो 8 पेज का टीज़र था, मुझे लगा था कि वो इन कॉमिक्स में वो कंप्लीट स्टोरी होगी, खाली उसका एक थोड़ा प्रोमो है, लेकिन अब पता लगा कि वो पेजेस इसमें नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताएगा, फिर देख लीजिए उन पेजेस को, युगारंभ के अंत में जो पेजेस दिए गए थे ये पेजेस आपको नहीं मिलेंगे नाग प्रलय में, आप देख लीजिए। और इसमें लिखा हुआ भी है, हालांकि पढ़ना बाकी है मेरा, लेकिन मुझे तो पता है कि फेसबुक वगैरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, पढ़े नागराज युगारंभ संयुक्त संस्करण। तो इनको कनेक्टेड फील कराया गया, जो कि एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बट जो व्यू जो रीडर्स वगैरह हैं उनके लिए बड़ा ये एक समस्या हो जाती है, जब वो पहले राज कॉमिक्स लेते थे, जैसे मान लें हमने सर्प सत्र ले लिया, प्रतिशोध की जो वाला हम परचेज़ कर रहे हैं, या हमने नागराज परचेज करा, तो हमको पता होता था इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर अब इस तरह से कनेक्टेड है, हालांकि वो इतना भी कनेक्टेड नहीं है, आप वो पढ़ने पता लगेगा, मैं आपको पढ़ करके पूरा रिव्यू दूंगा आदि पर्व का भी और नाग प्रलय का भी कि किस तरीके की स्टोरी है। अदरवाइज़ अगर हम देखें किसी भी कॉमिक्स को राज कॉमिक्स में, तो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती हैं, तो इतनी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है कि बीच कनेक्टेड हम तो कैसे पढ़ेंगे, बट हाँ ये सारे ही एडिशन हैं। और ये भी एक मैं आपको बता दूँ, डीलक्स जो एडिशन है, चाहे वो युगारंभ का हो या नरक नाशक का, मुझे उसका क्लियर नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है शायद उसमें ये एक्स्ट्रा पेजेस नहीं थे, तो आप लोगों के पास अगर प्रीमियम एडिशन है तो ही आप इनकी स्टोरी कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मेरे द्वारा, आशा है कि आपको ये सभी को अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इनके ही डिटेल वीडियो में आगे मैं बनाऊंगा, तो और भी इनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।